डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नार्वा सलूक का सामना। डोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बाद बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ। चीन ने सलामती काउंसिल में मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद को वीटो कर दिया। SNC-Lavalin जस्टिस कमेटी का इजलास मौतल, ओपोजिशन जमातों का एहतजाज। सास्केचुआन यूनिवर्सिटी और कनाडा हुकूमत का ग्रीन गैसेस के हवाले से अहम मंसूबा। मॉन्ट्रियल में उबर की बाइक शेयरिंग सर्विस का आगाज। अमरीकी सदर के मुआखजे के हक में नहीं, नैन्सी पेलोसी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फेसबुक व्हाट्सएप की सर्विस में खलल। बात करेंगे लिबरल्स की जानिब से SNC-Lavalin तनाजे पर बुलाए जाने वाले जस्टिस कमेटी के हंगामी इजलास को मौतल कर दिया गया है, जहां जोडी विल्सन रिबोल्ट को बात करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें उन्हें SNC-Lavalin तनाजे पर गुफ्तगू करनी थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लिबरल्स की जानिब से SNC-Lavalin तनाजे पर बुलाए जाने वाली जस्टिस कमेटी के हंगामी इजलास को मौतल कर दिया गया है, जिसमें जोडी विल्सन रिबोल्ट को बात करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें उन्हें SNC-Lavalin तनाजे पर गुफ्तगू करनी थी। लिबरल्स की जानिब से किए जाने वाले इकदाम पर कनाडा की हिजब इख्तलाफ की जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने मुजाहरा किया है और इस इकदाम को शर्मनाक करार दिया है। लिबरल MP फ्रांसिस ट्रिन, जो कमेटी के बाकायदगी से रुकन नहीं है, उन्होंने शुरू होने वाले 25 मिनट के बाद ही इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा किया, जिस पर हिजब इख्तलाफ की जमातों की जानिब से शोर शराबा भी किया गया। न्यू डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव का कहना है कि वो समझते हैं कि उन्होंने साबका अदलिया और अटॉर्नी जनरल को इस स्कैंडल के बारे में एक बार फिर कमेटी से बात करनी चाहिए, जो गुज़िश्ता 5 हफ्तों में लिबरल हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। कनाडा की हुकूमत ग्रीन हाउसिंग गैस के अखराजात को कम करने में मदद देने के लिए सास्केचुआन यूनिवर्सिटी के साथ खुसूसी तआवुन कर रही है। यूनिवर्सिटी में बिजली और कुदरती गैस की खपत को कम करने के तरीकों को तलाश करने के लिए वफाकी हुकूमत $1.5 मिलियन तक सरमायाकारी कर रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ग्रीन हाउसेस गैस के खराज को कम करने में मदद देने के लिए सास्केचुआन यूनिवर्सिटी के साथ खुसूसी तआवुन कर रही है। यूनिवर्सिटी में बिजली और कुदरती गैस की खपत को कम करने के तरीकों को तलाश करने के लिए वफाकी हुकूमत $1.5 मिलियन तक सरमायाकारी कर रही है। कनाडा की पब्लिक सेफ्टी के वजीर रॉल्फ गोडेल का कहना है कि यूनिवर्सिटी एक साल $650,000 बचाएगी। ये बहुत अहम बचत है और इसके बाद ऐसे पैसे को दूसरे अहम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे तालिबे इल्मों और क्लासों और मुतालात में सरमायाकारी और तालीम के शोबे को मजीद बेहतर बनाने जैसे मामलात शामिल हैं। ये रकम हुकूमत की कम कार्बन मईशियत फंड से आती है, जिसमें सूबों, म्यूनिसिपैलिटीज और इदारों को इमारतों में तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मंसूबे के लिए रकम हुकूमत के कम कार्बन मईशियत फंड से आती है, जिसमें सूबों, म्यूनिसिपैलिटी और इदारों को इमारतों में तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। मौसम गर्मा के आगाज में मॉन्ट्रियल में बिक्सी इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग की वाहिद सर्विस नहीं रहेगी। इस सिलसिले में एक नया फ्लीट तैयार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मौसम गर्मा के आगाज में मॉन्ट्रियल में बिक्सी इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग की वाहिद सर्विस नहीं रहेगी। इस सिलसिले में एक नया फ्लीट तैयार कर लिया गया है। जंप नामी नई सर्विस, जो कि उबर की मलकियत है, बहुत जल्द मॉन्ट्रियल की मार्केट का हिस्सा बन जाएगी। सार्फिन मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड होकर इस सर्विस को हासिल कर सकेंगे, जिसका किराया मिनटों के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जिन्हें इस्तेमाल के बाद शहर में कायम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर छोड़ दिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने जा रहे हैं, चाहते हैं कि हमारी सड़कें कुशादा हों, जबकि बेहतरीन सर्विस की फराहमी के लिए रास्तों पर वाज़ेह कंट्रोल चाहते हैं। क्यूबिक की वजारत ट्रांसपोर्ट कवानीन को तब्दील कर रही
रही हैं ताकि खिदमात मॉन्ट्रियल तक पहुंच सके। इस हवाले से हुकूमत ने नए कानून का ऐलान किया है। साइकिल शेयरिंग फराहम करने वाली कंपनियां हुकूमत को फीस अदा कर रही हैं ताकि वो जिम्मेदारी से काम कर सकें, जबकि कानून के मुताबिक कंपनीज को शहर में एक ऑपरेशनल सेंटर खोलना होगा और अपने ग्राहकों को सड़क के कवायद और जवाबित से आगाह करना होगा। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के मुतालबात की मुखालफत करते हुए कहा है कि इसके अमरीका पर बहुत असरात पड़ेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के मुतालबात की मुखालफत करते हुए कहा है कि इसके अमरीका पर बहुत असरात पड़ेंगे। अमरीकी अखबार के साथ एक इंटरव्यू में स्पीकर पेलोसी का कहना था कि सदर का मुआखजा इस सूरत में होना चाहिए जब उसकी बहुत ज्यादा वजूहात मौजूद हों और जिन पर दोनों जमातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मुत्तफिक हों। डेमोक्रेट रहनुमा ने कहा है कि वो सदर के मुआखजे की हामी नहीं, क्योंकि उनके बकौल ऐसा करना मुल्क को तकसीम की तरफ ले जा सकता है। तहम सदर के मुआखजे के अमकान की मुखालफत के बावजूद नैन्सी पेलोसी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका की सदारत के अहल नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप इखलाकी और जहनी तौर पर अमरीका के सदर की जिम्मेदारियां अंजाम देने के काबिल नहीं है। अमरीका में कई हल्के 2 साल कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकतदार में आने के बाद से उनके मुआखजे का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवम्बर में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नतीजे में ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इस कामयाबी के बाद से पार्टी के अंदर और बाहर से बाएं बाजू और लिबरल हल्के मुसलसल डेमोक्रेट्स की क़यादत पर मुआखजे की कार्रवाई शुरू करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक बंद हो गई, जिसके सबब सार्फीन को कंप्यूटर सर्वर्स डाउन हो जाने के सबब रात देर से पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक बंद हो गई। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के सार्फीन को कंप्यूटर सर्वर्स डाउन हो जाने के सबब रात देर से पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर सर्वर्स डाउन हो जाने की वजह से सार्फीन को न सिर्फ पैगामात बल्कि तस्वीर और वीडियोस भेजने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्विसेज की निगरानी करने वाले आज़ाद इदारे डाउन डिटेक्टर को मुख्तलिफ मुल्कों से इस मुतालिक 1000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी फेसबुक के तर्जुमान का कहना था कि हंगामी बुनियादों पर मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप बंद होने की वजह से ज्यादा शिकायत अमरीका, बरतानिया, यूरोप से मौसूल हुई। ताहम दुनिया के दीगर मुल्कों में भी सर्वर्स ने काम छोड़ दिया। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। चीन में कैदी शख्स की कैनेडियन बीवी और बेटी को बीजिंग एयरपोर्ट पर नार्वा सलूक का सामना। डोवा स्कॉटिया में कचरे से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स को प्लास्टिक, गत्ते और कागज के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। ब्रिटिश कोलंबिया में दिसंबर में आंधी तूफान के बाद बीमे की मद में $37 मिलियन का नुकसान हुआ।